श्रीवर्धमान जिनदेव पदारविन्द युग्मस्थिताङ्गुलीनखांशुसमूहभासि प्रद्योततेखिलसुरेन्द्र किरीटकोटिर् भक्त्याणम्य जिन देव पदम स्तवी वर्धमान स्त्रोत्र के काव्यों का अर्थ सहित आपको कुछ भाव बताया जा रहा है लगभग बारह काव्य आप लोगों ने पढ़ लिए हैं आज से ही देखा जाए तो भगवान की वास्तविक स्तुति अब प्रारंभ होनी है काव्य नंबर तेरह गर्भोत्सवे प्रतिदिन प्रथुरत्न जन्मोत्सवे सकल लोक सुशांत व्रति सर्वातिशायन गुडा दश जन्मनस्ते सूक्ष्मेण को गडयितुं गुडतां तु शक्तः इ पद्य मे अनुवाद लिखा हुआ है गर्भ समय के कल्याणक में प्रतिदिन रत्नों की वर्षा जनम समय के कल्याणक में सकल लोक में सुख सूक्ष्म रूप से तब गुड़गढ़ को गिनने में हो कौन समर्थ दश अतिशय जो मूर्त रूप है समझो उनमें कितना अर्थ जब तीर्थंकर की कथा प्रारंभ होती है तो सबसे पहले जो तीर्थंकर के लिए विशेष बात होती है वो होती है पंच कल्याणक की प्राप्ति होना पंच कल्याणक माने पांच ऐसी स्थितियां जिनमें उस व्यक्ति की विशेष रूप से पूजा आराधना देवों के द्वारा की जाती है यह कल्याणक के रूप में कहा जाता है कल्याणक का मतलब ही होता है कि अन्य लोगों से विशिष्ट हो जाना संसार में जितने भी जीव हैं उन सब जीवों से अति विशिष्ट पने से जिनके लिए विशेष अवसरों पर कोई देवों के द्वारा पूजा आदि की जाती है वही पूजा कल्याण का नाम प्राप्त कर लेती आप विचार करें कि जब भगवान का गर्व का समय होता है तो गर्व के समय से छ महीने पहले से ही उत्सव प्रारंभ हो जाता है क्या लिखा है गर्भ समय के कल्याणक में प्रतिदिन रत्नों की वर्ष अब प्रतिदिन रत्नों की वर्षा तो होती है लेकिन वह छह महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। यही सबसे बड़ा उन तीर्थंकरों का एक पुण्य होता है कि जिन्हें तीर्थंकर बनने में अभी बहुत समय है जिनका अभी गर्भ में आना भी नहीं हुआ है लेकिन आने से छ महीने पहले ही जो अभी स्वर्ग में है जी वस्तु अभी कहाँ है स्वर्ग में है और आने से छः महीने पहले ही उनके जिस स्थान पर जहाँ पर उन्हें गर्भ धारण करना है वहाँ पर जो है रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती समझो कितना बड़ा उत्सव कितना बड़ा कल्याणक जो सामान्य जीवों में कभी भी घटित नहीं हो सकता है और किसी में भी नहीं हो सकता महापुरुषों में बहुत सारे महापुरुष आते हैं लेकिन तीर्थंकरों के अलावा ये महापुरुष की श्रेणी में और जो भी आते हैं उनमें ये चीज घटित नहीं होती है किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर क्यों हो रहा है ऐसा किस कारण से हो रहा है अपने आप लोगों को आभास होने लग जाता है कि ये रत्नों की वर्षा हो रही है माने कोई महापुरुष इस स्थान पर इनके घर में जन्म लेने वाला है और वो नियम से तीर्थंकर रूप ही होगा तभी इस तरीके की रत्नों की वर्षा होती जहां स्वर्गों में वह जीव रहता है छह महीने पहले से वहां आसपास के जो उनके आसपास जो देव और अन्य देव लोग रहते हैं वो भी आकर के उनके पास में उन्हें बधाइयां देने लग जाते हैं यूं कहना चाहिए उस जीव को समझ आ रहा है जो जीव आगे तीर्थंकर बनने वाला है उसका ज्ञान उन देवों को भी हो जाता है जो आसपास रह रहे होते हैं कि ये छह महीने बाद इनका अवतरण यहाँ पर होगा इस अयोध्या नगरी में होगा कुंड ग्राम में होगा और वहाँ पर जो है ये जीव जाएगा तो वह देव लोग उनके लिए पहले से ही सराहना करने लग जाते हैं प्रशंसा करने लग जाते हैं उनके पुण्य की अनुमोदना करने लग जाते हैं आपकी भाषा में उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन देने लग जाते हैं समझ आ रहा है? ये छह महीने पहले से शुरू हो जाता है इधर देखो जहां पर जिन सिद्धार्थ राजा के यहाँ पर जन्म होना है जिन मां त्रिशला के यहाँ पर जन्म होना है उन्हें भी अभी कुछ पता नहीं है लेकिन देवों के द्वारा रत्न वृष्टि छह महीने पहले से शुरू हो जाती है गर्भ तो छ महीने बाद धारण किया जाएगा उसके बाद के नौ महीने अलग होंगे समझ आ रहा है नौ और छ्रह महीने तक लगातार सुबह दोपहर शाम और एक मध्य रात्रि समझ आ रहा है चार टाइम कितने लगभग साढ़े तीन करोड़ रत्नों की वर्षा चार टाइम प्रतिदिन होती है क्या समझ आ रहा है साढ़े तीन करोड़ रत्न चार टाइम गिरेंगे तो कुल मिलाकर के एक दिन में कितने हो गए हैं? चौदह करोड़ हो गए समझ लो अब आप चौदह करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन होती है अब सेठ लोग गणित लगाते हैं कि चौदह करोड़ के रत्न गिरते हैं कि चौदह करोड़ रत्नों की संख्या गिरती है अब गणित लगाने वाले तो गणित लगाते ही है कई लोग प्रश्न पूछते हैं समझ आ रहा है तो बताओ अब क्या समझा जाए है? क्योंकि जो करोड़ों की आपने आज गिनती की है जो करोड़ की मतलब वैल्यू आपके दिमाग में आज है वो करोड़ की वैल्यू उस समय पर थोड़ी ना थी और रत्न की वैल्यू करोड़ों में तो हो ही नहीं वो तो और संख्या में अधिक होंगे तो और अधिक करोड़ के हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि चौदह करोड़ रोजाना पैसे गिरते थे या चौदह करोड़ के रत्न गिरते थे रत्नों की संख्या है वो चौध करोड़ समझ आ रहा और इतने रत्न प्रतिदिन जब गिरेंगे तो कहां गिरते हैं जिस इस घर में उनका जन्म होना है उसी घर के आंगन में आ? आ? क्या हो गया आ? नगरी में तो नगरी में बिखरते हुए नहीं गिरते हैं नगरी में भी उस स्थान पर जहां पर भगवान का जन्म होना है वही घर में है ना तो कम से कम आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि भगवान के घर तक तो जाओ उठाने के लिए नगरी में कहने का मतलब तो फिर ये हो जाएगा, मतलब तो हो जाएगा। कि हमारे घर में ही आकर के खुद रत्न बरसा गए अब हमें कहीं जाने की कोई जरूरत ही नहीं है समझ आ रहा तो ऐसा नहीं होता हमेशा ये जो भाव है कि वहां पर पहुंच करके लोग जो है रत्नों को ग्रहण करते हैं और ये इसीलिए ग्रहण करते हैं कि उन लोगों को भी पता पड़ जाता है कि भाई यहां पर बिल्कुल फ्री में सब कुछ बट रहा है इकट्ठा करोगे तो कितना करोगे कहां इकट्ठा करके रखोगे अब एक दिन रख भी लोगे तो कितने कितने रख पाओगे समझ आ रहा है जब कोई चीज़ की संख्या थोड़ी होती है तो तो रखने में भी अच्छा लगता है और जब रत्न ही अनाज की तरह कोठों में भर जाए तो फिर उसकी आप कितनी कीमत करोगे और वो आपको कैसा लगेगा समझ आ रहा है तो उनके माता पिता भी इतने उदार होते हैं कि उन्हें भी किसी को रोकने का भाव नहीं आता और वे भी सबके लिए अपना दरवाज़ा खुला रखते हैं यही वजह होती है कि जिस स्थान पर भगवान का जन्म होना होता है वहां पर कोई दरिद्री नहीं बचता है सब सुख वैभव से संपन्न हो जाते हैं समझ आ रहा है कोई कितने भी लेकर के चला आए कितने भी अपनी झोली भर ले उसमें किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं होती है इतना मतलब कहना चाहिए ये पुण्य आत्मा जीवों का ये वैभव ये प्रताप कहलाता है कि जिनके होने पर कभी कोई व्यक्ति पहले से ही दुखी नहीं हो सकता आने से पहले ही आदमी सुख संपन्न होने लगा लक्ष्मी बरसने लगी रत्नों की वर्षा होने लगी ये कहलाता है पुण्य ये गर्भ का कल्याणक कहलाता है और यही गर्भ कल्याणक एक तरीके से वो भगवान के लिए विशिष्ट रूप से अतिशयकारी हैं ये इस बात की सूचना देने लग जाता है उस गर्भ कल्याण के समय पर जब छह महीने पहले से ऐसा होने लग जाता है तो आप समझ लो कि आदमी कितने रत्नों को रखेगा कितना अपने पास में भरेगा और कितना जो है वो ले ले जाकर के घर में रखेगा समझ आ रहा है जब सब कुछ अपार मिलने लग जाता है तो फिर जो है आदमी संतुष्ट हो जाता है सबको मिल रहा है तो और कोई सी का दुख नहीं रहता है एक को मिले एक को ना मिले तो क्लेश भी होता है और सबको मिल रहा है गवर्नमेंट की चीनी जैसे <laughs> समझ आ रहा है सबको लाइन में लग के सबको मिल रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो सोचने की बात है कि इतने करोड़ रत्न हुए अब सिद्धार्थ भी अगर होंगे तो वो सोचेंगे कि हम इनको रख के करेंगे क्या नहीं समझ आ रहा है। जिस पुत्र के अभी गर्भ में आने से पहले ही इतनी समृद्धि हो रही है तो जब वो गर्भ में आ जाएगा तो अपने पुण्य से वो खुद अपनी समृद्धि लेकर के आएगा हम उसके लिए रख करके क्या करेंगे हम उसके लिए क्या कर पाएंगे बताओ क्या समझ आ रहा है आप पुत्र के लिए सब कुछ करते हो लेकिन कुछ पुत्र इतने भाग्यवान होते हैं इतने भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें किसी के लिए कुछ चाहिए नहीं पड़ता है उनके होने पर घर में और उल्टी संपदा आने लग जाती है समझ आ रहा है कुछ ऐसे भाग्यवान पुत्र होते हैं मंगलकारी ऐसे पुत्र होते हैं जिनके होने पर घर में अपने आप समृद्धि बढ़ने लग जाती है ये भी एक फर्क पड़ता है पुत्र के होने का और गर्भ में आने का कई बार पुराणों में भी इस प्रकार के कथानक आते हैं कि किसी अगर पुत्र का गर्भ में जो मान लो अशुभ है अमंगल है सबके लिए ऐसे भी पुण्यहीन का जन्म होता है तो जो है घर में वो सब चला जाता है समझ आ रहा है हाँ ये भी एक बहुत बड़ी रिस्क है पुत्र उत्पत्ति इतना तक भाग्यहीन पुरुष होता है कई बार इतना भाग्यहीन तक बालक होता है कि कहो उसके गर्भ में आने के बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाए समझ आ रहा है जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाए सब कुछ संभव है घर में जितनी भी समृद्धि थी सब चली जाए वो वैसा का वैसा ही अकेला दरिद्री रह जाए और फिर अपना पालन करता रह जाए और बड़ा हो जाए सब कुछ संभव है इतने इतने भी पाप के साथ में जन्म लेने वाले जीव होते हैं और एक तरफ ये देखो इतने पुण्य वाले भी जीव होते हैं कि जिनके आने से पहले ही इतना धन धान्य सब कुछ घर में आ रहा है इतने रत्नों की वर्षा हो रही है कि खुद घर के पिता को भाव नहीं आ रहा है कि हम इसमें से एक रत्न उठा लें कि रख लें क्या रख के करेंगे जिस पुत्र के आने से पहले ही उसका पुण्य इतना आ रहा है तो आने के बाद तो क्या होगा हम उसके लिए क्या करेंगे वो खुद अपने लिए इतना कुछ करके लाएगा समझ आ रहा इसको बोलते हैं पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय मतलब क्या हुआ अगर पूत सपूत है तो आपको धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है वो सब वो कर लेगा उसके पुण्य से सब हो जाएगा और पूत कपूत है तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो कर लोगे वो कपूत होने के कारण से वो सब उसको मिटा डालेगा क्या समझ आ रहा है लेकिन फिर भी करना तो छोड़ना करना तो उसी के लिए ही है समझ आ रहा है इतना हमें पूत के भाग्य पर विश्वास भी कहां होता है लेकिन ये कहना चाहिए एक्सट्रीम वाली बात है पूत सपूत तो काधन संचय और पूत कपूत तो आप कह सकते हो महाराज ऐसा एक्सट्रीम हायर क्वालिटी का और लोअर क्वालिटी का भी ना आजकल पुण्य मिलता है ना पाप मिलता है आज सब मिडिल क्वालिटी वाले हैं इसलिए <laughs> क्या हो गया सब मीडियम क्वालिटी वाले हैं इसलिए जो है हमें ऐसे धन संचय आदि के काम करने पड़ जाते हैं और फिर सबसे बड़ी विडंबना तो यह भी है कि अगर आप अपने पुत्र के लिए कुछ ना करें तो आपको लगेगा कि हमने उसके साथ अन्याय किया है और पुत्र अगर बड़ा होकर के ये देखेगा कि इन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया तो वो तुमको गाली देगा समझ आ रहा है इसलिए भी अपनी थोड़ी सी आदर सम्मान बनाए रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसके लिए डिपोजिट रखना पड़ता है, है? यह सब चीजें अपने आप में अगर देखी जाए तो ये सब पुण्य और पाप से चला करती हैं और कितना वह भाग्यवान स्थान होगा कितना वो भाग्यवान माता पिता होंगे कितने भाग्यवान वह जीव होगा जिसके माध्यम से यह पंद्रह महीने तक लगातार इस तरीके से रत्नों की वर्षा होती इसीलिए कहा जाता है कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रह जाता दरिद्र नहीं रह जाता दीनहीन दुखी नहीं रह जाता सभी जगह सुख समृद्धि आ जाती है ये इसी कारण से आ जाती है आचार्यों ने तो यहां तक लिखा है कि इस धरती को एक नाम दिया जाता रत्न गर्भा समझ आ रहा है? तो वह रत्न गर्भा नाम इस धरती को तभी मिला जब तीर्थंकरों के जन्म के समय पर इस धरती पर इतने रत्न बरसे कि उसके गर्भ में माने वो उठाने वाले नहीं है इतने रत्न है कि वो अंदर चले गए मिट्टी तक में समा जाते हैं इसलिए उसका नाम हो जाता है रत्न गर्भा ऐसा लगता है कि धरती रत्न उगल रही हो समझ आ रहा है? हाँ इतने रत्न मिलते हैं अब आप सोचो पूछ भी सकते हो कई लोगों के मन में विचार भी आता है वो रत्न गए कहा क्या समझ आ रहा है वो रत्न गए कहाँ तो ध्यान रखो जो चीजें जिसके पुण्य से उत्पन्न होती हैं वो चीजें उस पुण्यवान व्यक्ति के जाने पर भी चली जाती हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं। चीजें सब समाहित हो जाती हैं समा जाती हैं आपको पता नहीं रहता कहां पड़ी हैं पड़ी रह जाती हैं लेकिन वो आपके काम में नहीं आती आपके जहां बैठे हो कई वहीं पर मानो रत्नों की कोई पोटली पड़ी हो और रत्नों के ढेर लगे हो ए? ढूंढ रहे हो लेकिन वो आपको पता नहीं पड़ेगा मिलेगा नहीं आपके अंदर इतनी बुद्धि आएगी नहीं कि हम वहीं पे खोद लें समझ आ रहा है दुनिया में खोदोगे लेकिन जहां पे बैठे हो वहीं पे पड़ा होगा तो वहीं पर खोदने का भाव नहीं आएगा यहां पे कौन खोदने बैठेगा मंदिर में क्या समझ आ रहा है तो चीजें इसी तरीके से पड़ी रहती हैं ऐसा नहीं है कि वो देवों के द्वारा बनाए गए रत्न थे देवों के द्वारा वर्षा की गई थी तो वो जब आए और लुप्त हो गए ऐसा नहीं है वो हैं, लोग उनसे अपना जीवन चलाए हैं उनसे अपना व्यापार करते थे और सब कुछ उनसे अपना काम करते थे लेकिन जब तक उनका पुण्य रहा तब तक ही वो चीजें रहीं पुण्य नहीं रहता तो हाथ में आई हुई चीज अपने हाथ से चली जाती समझ आ रहा? रहा है एक हीरा है कोहिनूर भारत का कहलाता था वो हीरा लेकिन आज वो भारत में भी नहीं है आ? क्या समझ आ रहा कहीं और रखा है ना अब अपने देश का होते हुए भी हम उसे अपने देश का होते हुए भी हम उसे अपने देश में नहीं ला पा रहे समझ आ रहा है हम दुनिया से अपने संबंध बना रहे हैं अपने मैत्री के संबंध बना रहे हैं सब देशों के राष्ट्रपतियों से जाकर के मिल रहे हैं लेकिन अपनी कोई चीज जो उनके कब्जे में पहुंच गई है उस पर हम बात नहीं कर सकते हैं समझ रहा मतलब आप ये समझो कि दो देशों के कोई नेता मिलते हैं राष्ट्रपति मिलते हैं या प्रधानमंत्री मिलते हैं तो वे उन चीजों पर बात करेंगे जो चीजें आगे संभव हो सकती हैं जो वर्तमान की समस्या है। समझ आ रहा है ऐसा नहीं है कि ये पिछली धरोहर हमारी पहले दो समझ आ रहा है आपने हमारे इतने शास्त्रों को हड़प लिया आपने हमारा इतना ज्ञान हड़प लिया आपने हमारा कोई हीरा ले लिया इन पर कभी प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे चाहे वो ट्रंप से मिलने जाए और चाहे पिंग से और चिंग से मिलने जाए समझ आ रहा है क्योंकि ये बातें करने से तो संबंध बिगड़ेंगे जिसे बोलते हैं ना भाई पुराने गढ़े मुर्दे मत उखाड़ो अब देखो ये कितनी बड़ी बात है हम समझ रहे हैं कि सामने वाले ने हमारे साथ अन्याय किया है लेकिन हमें उस समय पर उसे चोर समझ करके बात नहीं करना है उसे अन्याय या दुष्ट समझ करके बात नहीं करना है बात तो उसे यही समझ करके करना है कि भाई अब जो है जिस स्थिति में है उस स्थिति में बात अपनी आगे चले आगे के लिए मैत्री के संबंध बने यही ठीक है समझ आ रहा यह भी तो सीख सकते हो आप लोग नहीं समझ आ रहा है ये भी तो सीख सकते हो पुरानी कमेटियां नई कमेटियां पुराने मंत्री नए मंत्री समझ आ रहा है जब आपस में मीटिंग होती है बैठते हैं मिलते हैं तो क्या करते हैं पुरानी बातें है, जब सामने ले आते हैं तो लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं समझ आ रहा है आगे की बात करोगे तो कुछ आप कुछ तरक्की कर पाओगे कुछ कर पाओगे और पुरानी बात छेड़ दोगे छोड़ दोगे तो सामने वाले को गुस्सा आ ही जाएगा अब किसी दूसरे देश में जाकर के उससे पहले को हम तुमसे बात तब करेंगे पहले तुम्हारा कोई नहीं रेरा दो समझ आ रहा है लंदन में है ना तो अब वहां पे मान लो जाके बात करोगे भाई नहीं पहले हमारा हीरा मुझे वापस लौटाओ या मेरी कोई भी चीज जो तुमने ले ली पहले मुझे वापस लौटाओ तो कहां से बात शुरू होगी समझ आ रहा तो कहीं ना कहीं ये सीख आपको लेनी चाहिए कि हमें अपने संबंधों को मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए पुरानी बातों को भूलना पड़ता है चाहे कितना ही नुकसान हो गया हो भूलना पड़ता है पति पत्नी में भी जब तक नोक झोंक होती रहेगी स्थितियां बिगड़ती रहेंगी जब तक कि पुरानी बातें सामने आती रहेंगी और वही बात सामने आ जाती है लड़ लेंगे अलग हो जाएंगे और अलग होकर के फिर मिलने की कोशिश करेंगे फिर मिलने के लिए हाथ बढ़ाएंगे और फिर जो है कोई ना कोई जिसने बात छेड़ दी पुरानी तो वो फिर वहीं पे बात बिगड़ जाती है क्या समझ आ रहा है तो ये अपने अंदर एक समझदारी रहनी चाहिए कि जब हमें कोई संबंध बनाए रखना है या हमें उसको आगे मैत्रीपूर्ण तरीके से ले जाना है तो हम पुरानी बातों को ना उखाड़े इसी को बोलते गड़े मुर्दे मत उखाड़ा करो समझ आ रहा है आज जो स्थिति है परिस्थिति है आगे आप क्या व्यवहार करोगे आगे आप हमारे साथ में किस तरीके से है? कांटेक्ट करोगे वो चीज अपने दिमाग में रहे तो आगे का संबंध बना रख सकता है वो मैत्री बनी रह सकती है इसलिए जो चीजें गुजर गई हो गया उन्हें भूलो आपके पास में जितना है बस उतने में संतुष्ट रहो रत्न कहां गए कौन ले गया हमें क्यों नहीं मिले समझ आ रहा है अब इसमें लड़ाई झगड़े मत पड़ो वो तो जिसके साथ जाने थे सब चले गए तुम अपना कमाओ अपने सामने देखो तुम्हारा तुम्हारे पास में क्या है समझ आ रहा है और अब वर्तमान में इतना अच्छा भाव बनाओ कि हम भगवान के कम से कम उस कल्याणक की महत्ता को तो शुद्ध भावों से समझ सकें शुभ भावों से भगवान का कल्याणक की भावना तो समझ सके तो इसी को बोलते हैं कि गर्व कल्याणक में और कुछ नहीं होता है सबसे बड़ी विशेषता है वृष्टि की विशेषता समझ आ रहा है? ये जन्मोत्सवे सकल लोक सुशांत वृत्ति जब भगवान का जन्मोत्सव होता है तो सारे लोक में एक शांति छा जाती है एक बहुत बड़ी देन ये होती है भगवान के जन्म के समय पर तीन लोक में माने देवों में तो चलो शांति रहती है मनुष्य तिरियंशों में भी क्षण भर के लिए शांति आ जाती है लेकिन नरक में भी कहते हैं एक क्षण के लिए वहां पर भी शांति का वातावरण आ जाता है जब तीर्थंकर का जन्म होता है समझ आ रहा है इतना प्रभावशाली वो व्यक्तित्व होता है इसलिए उसकी तुलना सामान्य व्यक्ति से कभी भी की नहीं जा सकती समझ आ रहा है जो ये ओसो जैसे दार्शनिक हुए हैं समझ आ रहा सुने है ना सबने नाम हाँ तो ये भगवान तीर्थंकर महावीर को भी एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पेश किया है हां वो कहता है कि तीर्थंकर हैं, महावीर हैं, भगवान हैं, ये सब आपने बना रखा उनको वो तो आपकी तरह सामान्य व्यक्ति थे समझ आ रहा है आपने उनको बड़ा बड़ा बना करके बड़ी बड़ी बातें कर करके बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर करके बड़ा बना रखा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन आपने उनको बना दिया वो तो बिल्कुल ही सामान्य व्यक्ति थे समझ आ रहा तो उससे यह पूछा जाए कि तुमने ये कहां पढ़ा कि वो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति थे ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है <laughs> एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे ये तो हम दिखा देंगे तुम्हें प्रमाण के कितने शास्त्रों में लिखा है लेकिन सामान्य थे ये कौन से शास्त्र में लिखा है उनके समय के कौन से ऐसे शास्त्र जिनमें यह लिखा हो कि भगवान महावीर एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति थे चलो जैन धर्म की बात छोड़ो किसी बौद्ध धर्म के शास्त्र में जो बौद्ध भी उनके समय के थे हिंदू के किसी भी शास्त्र में लिखा हो कि वो बिल्कुल सामान्य थे कहां से एक तो प्रमाण आगम होता है और दूसरा अपना ज्ञान होता है या फिर आपको कौन सा दिव्य ज्ञान हो गया जो आपको दिख गया दो हजार वर्ष का कि वो बिल्कुल सामान्य थे समझ आ रहा तार्किक व्यक्ति हमेशा हर बात को लॉजिकली ही पूछता है और उसका लॉजिकली आंसर चाहता है अब ये कोई उससे पूछने वाला नहीं है उसने जो कह दिया बस जैनियों के भी दिमाग फिर गए उस टाइम पे समझ आ रहा जैनी भी प्रवचन सुनते हैं उसके हाँ क्योंकि वो भी जैन ही था वैसे जाति से वो रजनीश जैन नाम था उसका तो बस जब उसने कहा कि महावीर तो वो कवि तीर्थंकर महावीर नहीं बोलता था समझ आ रहा है सामान्य से महावीर व्यक्ति जैसे कोई सामान्य व्यक्ति का नाम लेते हैं ऐसे करके बोलता है समझ आ रहा है और लोग उसको पढ़ते हैं सुनते हैं और जब महावीर भगवान के बारे में क्या बोला तो सब तरीके की जो उसकी बातें हैं अपने चिंतन में जो उसको आए उसने सब बोला लोगों ने सब सुना तो कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति भगवान को तीर्थंकर को उनकी महिमा को पचा नहीं पाता है और खास तौर से वह व्यक्ति जो खुद अपने आप को महिमा मंडित करना चाह रहा हो वो दूसरे की महिमा गाएगा तो उसकी महिमा को कौन गाएगा समझ आ रहा है एक बहुत बड़ी आदमी की एक मानसिक कमजोरी होती है और ये एक बहुत बड़ी मेंटेलिटी होती है कि अगर आप खुद बड़ा बनना चाह रहे हो तो आप दूसरे की बड़े बड़प्पन की बात नहीं करना समझ आ रहा है एक बहुत बड़ा आपको एक मानसिक मान मनोविज्ञान बता रहा हूं बड़े लोगों की यह बात होगी आप समझना हमेशा देखना जो खुद बड़ा बनना चाहेगा वो कभी अपने से किसी को बड़ा बना करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करेगा तो लोग उस पर ध्यान देंगे उस पर ध्यान नहीं देंगे इसलिए उस दार्शनिक ने अपनी महत्ता बनाए रखने के लिए वो महावीर भगवान को भी उसने बिल्कुल सामान्य रूप में प्रस्तुत किया समझ आ रहा है ये बात है इसलिए देखो कि दुनिया में शास्त्र भरे पड़े, पड़े हैं भगवान तीर्थंकरों के गुणगान से महिमा से और उसे वह बिल्कुल बातें सामान्य दिखाई देती सामान्य होने का मतलब इतना ही है जैसे आप पंचेंद्री मनुष्य हो वो भी पंचेंद्रीय मनुष्य थे आपके पास में मन है उनके पास में मन है जैसे आपका गर्व से जन्म होता है उनका गर्व से जन्म होता है लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ स्पेशल तो होता है वो स्पेशलिटी क्या क्या चीजों में होती है वो उसे स्वीकार नहीं है समझ आ रहा है आगे वो चीजें और बताई जाने वाली हैं। ये जो दस प्रकार के जन्म के गुण हैं है? मतलब आगे जो आने वाले हैं जन्म के दस प्रकार के गुण हैं ये बड़े स्थूल रूप से बताए जाने वाले गुण हैं लेकिन सूक्ष्म रूप से और भी अनेक गुण होते हैं जिनको गुणने में कोई भी समर्थ नहीं होता है तो गर्भ के बाद में जब जन्म कल्याणक आता है तो जन्म कल्याणक में क्यों उनके जन्म कल्याणक की विशेषता होती है कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल उन्हीं में पाई जाती हैं और दूसरे लोगों में नहीं पाई जाती उसी को जन्म के दश अतिशय कहा जाता है समझ आ रहा है इस काव्य में ये जन्म के दस अतिशय लिखे हुए हैं अगला काव्य पढ़ते निस्वेदता वुषो मलशून्यता स्वाद्याति पर स्वरूपम सौलक्ष्य सौरभम पार समर्थताच सप्रीतिभाषणमथा समदुग्ध स्वेध रहित है निर्मल हैतनुपरमोदारिक रूप प्रथम सङ्गनन पहली आकृतिशुभ लक्षणयुत सौरभकूप अतुलनीय है शक्ति आपकी हितमित प्रिय वचनामृत है दुग्ध रंग सम देह का दश अतिशय पर माम है ये दश अतिशय कहलाते हैं अतिशय का मतलब ही होता है जो दूसरों के पास में न हो दूसरों से जिसकी कोई सिमिलरिटी न बने अन्य से जो अलग हटकर के हो उसी को अतिशय कहते हैं ऐसे ये दश अतिशय जो भगवान के गर्व के बाद जो उनका जन्म होता है उस जन्म के समय पर उनके शरीर में होते हैं उस बालक अवस्था में वो दश अतिशयों को यहां एक साथ एक काव्य में लिखा गया समझ आ रहा है चार लाइन का एक काव्य होता है।, है और चार लाइन के एक काव्य में दस अतिशयों को लिख पाना अपने आप में हमारे लिए तो कठिन बात थी लेकिन भगवान की भक्ति के प्रभाव से वो कठिन भी सरल हो गई समझ आ रहा है ये मन में भाव आया था लिखते समय कि दस अतिशयों को लिखने के लिए क्या दस छंद बनाने पड़ेंगे फिर तो बहुत बड़ा काम भी हो जाएगा तो भगवान के स्तुति फिर और आगे जो करना है वो कैसे होगी तो वो सब भक्ति करने के प्रभाव से भगवान के द्वारा दिए हुए उस पुण्य ज्ञान से ही ये संभव होता है कि एक काव्य में दस प्रकार के अतिशय आ गए आप अगर चार लाइनें चाहे हिंदी की ध्यान में रख लें चाहे संस्कृत की ध्यान में रख लें तो आपको भगवान के जन्म के दस अतिशय हमेशा याद बने रहेंगे और आप अपने बच्चों को भी इन्हें याद करा सकते हो समझ आ रहा है? बच्चों को इसलिए याद कराना चाहिए कि जो बच्चे तीर्थंकर सदृश बच्चों की बातें सुनेंगे उनके पुण्य की वृद्धि होगी समझ आ रहा बच्चों को हम जैसे पहले नानिया रानियों की कहानी सुनाते थे राजा की कहानी सुनाते थे वैसे आज आपको बच्चों को तीर्थंकरों की बातें सुनाना चाहिए कि बेटा जब तीर्थंकर बालक होते हैं तो उनके पास में ये ये विशेषताएं है होती हैं तो बच्चे बच्चे की बात को सुनकर के कुछ अपने अंदर उनके प्रभाव में आएंगे और उसके माध्यम से उनके अंदर एक पुण्य भाव आएगा तीर्थंकरों के साथ जुड़ने का उनके अंदर भाव आएगा लेकिन जब मम्मी को ही नहीं मालूम होगा तो बेटे को क्या सर तो मम्मी को भी ये चार लाइनें सीख लेना चाहिए है ना? जो बड़े हो गए उनकी बात नहीं है जो हो रहे हैं अभी भी होंगे उनके लिए भी कम से कम ये बताना चाहिए कि छोटे से ही कि देखो तीर्थंकर बालक के पास ये ये विशेषताएं होती हैं जो हर सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होती और ये बातें अगर एक बार बच्चे को ज्ञान में आ जाती याद कर लेता तो उसे हमेशा याद बनी रहेगी समझ आ रहा है बहुत अच्छे दस अतिशय है स्वेद रहित है स्वेद रहित का मतलब निस्वेद मतलब पसीना से रहित आ? कितनी भी गर्मी पड़े कितना भी परिश्रम हो जाए कुछ भी हो जाए लेकिन शरीर में कभी पसीना नहीं आना समझ आ रहा है इतना मतलब निर्मल शरीर होता है ये एक अतिशय है शरीर का जो सबके पास नहीं होता है पसीना से रहित होना वपुषो मल शून्यताते और शरीर में मलमूत्र नहीं होना समझ आ रहा है जब तक वह अपने छदमस्त अवस्था में रहते हैं माने मुनि बनने के बाद तक की भी अवस्था जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक वो भोजन तो सामान्य करते कवलाहार जिसको कहा जाता है समझ आ रहा है लेकिन उस कबलाहार से कभी उनके शरीर में मल मूत्र की बाधा उत्पन्न नहीं होती जितना भी खाया जाएगा सब डाइजेस्ट होता है और सबके लिए जितना भी है वो सबका ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो जो सात धातुएं हैं उन सब में सब कन्वर्ट हो जाएगा वेस्टेज मटेरियल कुछ नहीं होगा समझ रहे हो कम से कम समझो तो ऐसे भी शरीर होते हैं ये इसलिए समझना जरूरी है कि हम कितना खाते हैं और कितना वेस्टेज करते हैं ये ज्ञान भी थोड़ा सा होना चाहिए आज आदमी को नहीं समझ आ रहा है पर्यावरण सुरक्षा की बात चलती है इकोनॉमी की बात चलती है समझ आ रहा है ये ज्ञान यहां से शुरू होना चाहिए आदमी को आज ये ज्ञान दिया जाना चाहिए क्लासेज में बच्चों को ये ज्ञान दिया जाना चाहिए कि हम जितना खा रहे हैं हम उतना डाइजेस्ट कर रहे हैं या हम केवल खा रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं समझ आ रहा है एक दिन मैंने आपको बताया था योगी के लिए बताया था ना मूत्रपुरीस मलपम समझ आ रहा योगी के लिए मूत्र और पुरीष माने जो मल होता है वो अल्प होता है ये इसलिए जानना जरूरी है कि हम अगर थोड़ी सी भी अपनी योग्यता बढ़ाएंगे हम थोड़ा सा भी ये सोचेंगे कि हमारा शरीर सही काम कर रहा है और हमारे शरीर के साथ हमारा मन सही नियंत्रित है तो वो आपको इसी बात से समझ में आएगा आप क्या खा रहे हो कितना खा रहे हो और कितना आप उसके लिए वेस्ट कर रहे हो समझ आ रहा शुद्ध शरीर सही निरोगी शरीर की यह स्थिति होती है चौबीस घंटे में एक बार खाना और एक बार जाना समझ आ रहा जाने का मतलब समझ आ रहा अब थोड़ा समझाना तो पड़ेगा ही समझ आ रहा? अगर आपके लिए बार बार खाना और बार बार जाना होता है तो समझो ये बहुत बड़े रोगी की स्थिति है भोगी की स्थिति है कैसे लाभ मिलते हैं आप ये सोचो इस जन्म में इन्हें ऐसा कैसे मिल गया कि मूत्र और पुरुष ही उत्पन्न नहीं होते हैं शरीर में कभी उसके कारण से बाधा ही नहीं होती है खा कुछ भी लें यह तो चलो ठीक है चक्रवर्ती होते हैं तो और उनकी हाई डाइट होती है समझ आ रहा है? है हैवी डाइट होती और उसके बावजूद भी उनको ये सब कुछ नहीं होता है ऐसे और भी महापुरुष होते हैं चक्रवर्ती हैं, बलदेव हैं, वासुदेव हैं, प्रति वासुदेव तीर्थंकर हैं। इनके माता पिता भी हैं ये सबके लिए आहार तो होता है निहार नहीं होता है समझ आ रहा है अब समझो कितनी बड़ी बात है इस बात को ध्यान में रखो ये पिछले जन्म में जो तपस्या करते हैं पिछले जन्म में जो अपनी क्षुदा को जीतते हैं पिछले जन्म में जो अपने अंदर इस तरीके से संयम बरतते हैं उसी का ये फल होता है कि आगे चल कर के ऐसा शरीर मिलता है कि आपको कभी भी इस तरीके की शरीर में मूत्र की बाधा ना हो जितना आप खाना चाहो खा लो कभी भी आपका डाइजेशन बिगड़ेगा नहीं समझो ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा है कि नहीं है शरीर की फैसिलिटी है कि नहीं है शरीर की क्वालिटी है कि नहीं है समझ आ रहा अब आप इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति अभी दिखाई नहीं देता लेकिन दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब है पहले भी कभी ना हुआ हो ऐसा तो नहीं होता जब यह संभव है कि एक व्यक्ति कुछ नहीं खा करके भी अपना जीवन जी सकता है समझ आ रहा है? जैसे एक व्यक्ति का नाम सुना था मैंने एक जानी करके कोई व्यक्ति का नाम आया था वो केवल पानी पे जी रहा है।, है वो इसके अलावा कुछ नहीं खाता है डॉक्टर जो है सत्ते में पड़े हैं सबने सब टेस्ट कर लिए कि आखिर इसकी बॉडी चल कैसे रही है और किसी को कुछ समझ में नहीं आया समझ आ रहा है? तो एक्स्ट्रा क्वालिटिया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अभी भी दिखाई देते हैं अब हम कहें नहीं ऐसा होता ही नहीं नेवर पॉसिबल अब बाहुबली भगवान तो चलो चौथे काल की बात होगी का उदाहरण देकर के बता रहे हैं अभी की समझ आ रहा है उसके बारे में सब लोग जानते हैं कहीं ये सब व्हाट्सएप वगैरह पे और यूट्यूब पे कहीं ना कहीं उसकी जानकारी मिल जाएगी जॉनी सा जैसा कुछ नाम था उसका जान जॉनी ऐसा कुछ पीछे नाम था उसका हाँ तो जब वो उसके पीछे डॉक्टरों की टीम लग गई बोले पॉसिबल नहीं एक आदमी पानी पर बरसों से कैसे रह सकता है और वो रह रहा है और अच्छा है सब कुछ है सब अपना काम करता है सब बिल्कुल फुर्तीला है सब कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो ये जो आती है कुछ क्वालिटी है वो कहां से आती है डॉक्टर क्या पकड़ेगा अब बस जिसकी वो आराधना कर रहा होगा या कुछ होगा तो भाई कोई देवी शक्ति है ईश्वर की कृपा है बस यहां पे आकर के बात खत्म हो जाती क्या समझ आ रहा जबकि वो कृपा देवी शक्ति ईश्वर क्या वस्तु है कुछ नहीं है आदमी के अंदर कुछ ऐसे पुण्य कर्म होते हैं जिसके फल से उसे इस तरीके के शरीर मिलते हैं समझ आ रहा है एक कंपेयर भी करके देखा जाता है एक शरीर वह होता है जो कुछ भी खा लेता है सब डाइजेस्ट हो जाता है कोई उसको रोग नहीं होते हैं। समझ आ रहा है और एक व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी चिम्मत से गिन गिन के खाता है गिन गिन के पीता है अगर एक कतरा भी ज्यादा खा लिया तो रोगी हो जाता है समझ आ रहा है? तो ये क्या है जिस तरीके से हमें ये वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि ऐसे भी लोग हैं जो खाने के बाद भी स्वस्थ रहते हैं तो ऐसे भी लोग होते हैं जो खाने के बाद इतने स्वस्थ रहते हैं कि उन्हें कुछ भी खिला दिया जाए तो उनके लिए कोई बाधा कभी होती ही नहीं तो इस तरीके के अनुमान ज्ञान से इन चीजों की सिद्धि होती है कि ऐसे भी शरीर होते हैं इसमें कोई बाधा नहीं है समझ आ रहा है और ये योगियों के पास ही इस तरीके की उपलब्धियां पुण्यवान जीवों के पास ही ऐसे शरीर मिलते हैं सब तरीके की गाड़ियां होती हैं, सब तरीके के ड्राइवर होते हैं समझ आ रहा है हाँ। अब किसकी गाड़ी में कितनी फैसिलिटी मिली है किसकी गाड़ी कितनी बढ़िया चल रही है किसकी गाड़ी बिल्कुल हमेशा रमा चलती है बिल्कुल बढ़िया है दौड़ती है और किसकी गाड़ी अच्छी चिकनी सड़कों पे भी लथर पथर करती है।, है अब देखो अपने अपने पुण्य अपनी अपनी गाड़ी देखो समझ आ रहा है गाड़ी को मेंटेन करना सीखो गाड़ी को सही ढंग से चलाना सीखो गाड़ी की सही समय पर सर्विसिंग करना सीखो समझ आ रहा है गाड़ी कब बिगड़ेगी बिगड़ने वाली है उस पर ध्यान रखना सीखो कब ब्रेक लगाना है ये भी सीखो समझ आ रहा है कब उसमें थोड़ा सा स्पीड देना ये भी सीखो नहीं समझ आ रहा है? नहीं आता ये सब तो आ जाता है ब्रेक लगाना स्पीड देना समझ में आ रहा है हा कहा जाता है ये चातुर्मास का टाइम है ना ये चातुर्मास का टाइम वर्षा योग का टाइम गाड़ी में ब्रेक लगाने का टाइम होता है समझ आ रहा ब्रेक लगाते लगाते जब धीरे धीरे ये शरद पूर्णिमा निकलने लग जाए और शरद पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे ब्रेक खोलना <laughs> समझ आ रहा है धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना और फिर कहा जाता है नीति वाक्य है कि जब दीपावली हो जाए तो उसके बाद दीपावली के बाद फिर जो है स्पीड पे आ जाएगी गाड़ी समझ आ रहा है तो ये मौसम के अनुसार गाड़ी चलती है अब अगर आपकी वही स्पीड बनी हुई है और वही स्पीड आपकी वर्षा की ऋतु में स्पीड बनी हुई है तो बस मरोगे नहीं तो परोगे सही, परो सही एक नीति है मरो नहीं तो परो सही माने मरेगा नहीं तो पड़ा रह जाएगा समझ आ रहा क्योंकि वो सीजन के अनुसार आपकी जठराग्नि वर्षा के सीजन में आपकी जठराग्नि कम होगी ही वर्षा के प्रभाव से मौसम के प्रभाव से आप उसमें फिर भी पहले की तरह ही सब कुछ ठूसते रहोगे तो बीमार पड़ोगे समझ आ रहा धीरे धीरे वो जठराग्नि उठती है, है? लोग भी डॉक्टर भी इसको हेल्दी सीजन कहने लग जाते हैं जब ये दीपावली का टाइम आता है ना तब ये फिर जब ठंड का टाइम आएगा अब आ गया हेल्दी सीजन हेल्दी डाइट जो खाओ सब ठीक है समझ आ रहा है लेकिन उसमें भी रोगों को रोग हो जाते हैं ये भी भूल में मत रहना समझ आ रहा तो ये सब चीजें बताती हैं कि हमारी गाड़ी हमारे अपने ही पुण्य पाप से चल रही है कुछ हमारी असावधानी से बिगड़ भी जाती है और अगर हम सावधानी रखें तो वो सही ट्रैक पे चलती भी रहती है देखना क्या है इनपुट और आउटपुट की रेट कितनी है? है। ये देखते रहना है। नहीं समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ना हाँ जी तो बोला करो तो ये भी देखते रहने की चीज है समझ आ रहा है कोशिश स्वस्थ मनुष्य को यह करना चाहिए कि अगर उसे भले ही दिन में अगर दो बार भी भोजन लेना पड़े तो उसे जाना तो एक बार ही चाहिए तो स्वस्थता है समझ आ रहा है और जिसको एक बार से ज्यादा जाना पड़ता है तो वह एक रोगी की कोटी में आ जाता है सुन रहे हो कोशिश करो और इसी तरीके की प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस से सब कुछ होता है हैं आराम योग करो फायदा मिलेगा है? तीसरा अतिशय क्या है परम औदारिक शरीर होना है क्या लिखा निर्मल है तनु परम औदारिक सुंदर रूप है ना मतलब सुंदर रूप होना परम औदारिक शरीर के साथ में क्या होना सुंदर रूप होना माने तीर्थंकरों के रूप के आगे दुनिया में कोई भी सुंदर व्यक्ति नहीं होता है समझ आ रहा है चाहे वो मैन हो चाहे मैन हो हा? कोई भी उनके आगे सुंदर नहीं हो सकता है कितना ही बड़ा कोई चक्रवर्ती हो या कोई भी हो तीर्थंकरों के आगे सुंदरता किसी की नहीं होती है समझो कितनी बड़ी चीज है।, है अब आप कहोगे वो तो वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह थे हमने उन्हें जबरदस्ती सुंदर बना दिया है ऐसा कुछ नहीं होता है समझ आ रहा है नैमीनाथ तो काले रंग के थे हैं मुनि सुब्रतनाथ काले रंग के थे सुपार्श हरे रंग के थे फिर भी अमरे सुंदर कहे जा रहे हैं ये तो जैनियों की भक्ति है समझ आ रहा है जो दार्शनिक होते हैं ओसो टाइप के फिलोसफर वो इस तरीके से जो है हर बात को मोड़ देते हैं अब उन्हें ये कौन समझाए उनसे कौन तर्क वितर्क करे जब खुद आदमी सहंसाह बनकर के अपने प्रवचन कर रहा है तो लोग उसके सुनते हैं समझा रहा है और जब आदमी का प्रभाव बन जाता है तो फिर उसके सामने कोई तर्क वितर्क नहीं करता है और तर्क वितर्क करे तो वो कह देता है भाई आप अपने तर्क अपने पास रखो हम अपनी बात अपनी सभा में कह रहे हैं हमें कहने तो हमें आपसे लेना देना क्या आप अपनी बात अपने कहते रहो क्या समझ आ रहा है? कुछ हो गया क्या क्या हो गया नहीं कोई दिक्कत नहीं किसी का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं लोगों को इसलिए भी दिक्कत नहीं कि वो समझ में आना चाहिए जो लोग उसमें ज्यादा आसक्त होते हैं एंडल्ज होते हैं तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि ये लोगों ने कैसे तीर्थंकरों के प्रभाव को गिरा करके अपने प्रभाव को बनाया है आ रहा ये भी सब कूटनीति की चालें होती हैं दिमागदार लोगों की है ना तो अब सामने वाले को ये कौन समझाए कि आदमी चाहे हरे रंग का हो चाहे लाल रंग का हो चाहे नीले रंग का हो, हो चाहे काले रंग का हो सुंदरता रंग पर डिपेंड नहीं होती है सुंदरता अलग ही चीज होती है क्या समझ आ रहा है ब्यूटी इज नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ अवर बॉडी कलर पर डिपेंड नहीं होती ब्यूटी ब्यूटी तो अलग ही चीज होती है व्यक्ति अगर सांवला भी हो तो इतना सुंदर लग सकता है कि गोरा भी हो तो इतना सुंदर ना लगे हाँ नाक नक्शे की बात है जो भी कह लो समझ आ रहा है तो सुंदरता का संबंध रंग से नहीं और दूसरी बात जिन्हें आप ऐसा समझ रहे हो आज के समय में कि वो काले थे या नीले थे उस समय पर लोग ऐसे ही हुआ करते थे समझ आ रहा है? कुछ ऐसा युग होता है समय आता है जब एक जैसे ही कलर के सब लोग होते हैं तो उस समय पर जब सब लोग नीले रंग के हो रहे हैं तो उनमें वो सबसे सुंदर होंगे नीले रंग में कोई सुंदरता नहीं आती है? है? ब्लू कलर की कार खरीदते हो तब तो, तो बड़ा मजा आता है और कहते हो नीला रंग सुंदर नहीं होता काले रंग की पेंट और शर्ट पहनते हो तब अच्छा लगता है और कहते हो काला रंग सुंदर नहीं होता ये कैसी बात हो गई है? रंग तो सभी में सुंदरता आती है सुंदरता डालने वाला मतलब आर्ट उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए समझ आ रहा है तो ये उनका सुंदर रूप होता है उत्कृष्ट उनका संस्थान और सेनन होता है संस्थान माने आकार जिसे बोलते हैं सम चतुरस्त्र संस्थान माने ऐसा आकार ऐसी आकृति जिसमें शरीर के सभी नाप तौल होते हैं वो बिल्कुल बराबर के रहें हाथ पैरों की जो लंबाइयां हैं समझ आ रहा है कमर से ऊपर का पोर्शन कमर के नीचे का पोर्शन छाती का पोर्शन नाभि से लेकर के दोनों साइड का पोर्शन जितने भी आपके ये टी शर्ट वगैरह के नाप लेता है ना समझ आ रहा है ना तो उसे नाप इसलिए लेना पड़ता है कि आपके सब पोर्शन ये सब जितने भी हैं माप सब बेडोल होते हैं समझ आ रहा है तो वो सब एक जैसे होने चाहिए उसको बोलते हैं सम चतुरथ संस्थान समझ आ रहा है नाभि से लेकर के इस कंधे तक ये पोर्शन और नाभि से लेकर ये कंधे तक ये पोर्शन ये जितना होगा उतना ही इस कंधे का ये पोर्शन ये दोनों बराबर होंगे ये समचतुरथ संस्थान की पहचान है नाप के देख लेना <laughs> समझ आ रहा है और जितना अब ऐसा नहीं होना चाहिए हाथ की लंबाई पैर की लंबाई ये सब कुछ जो है पोर्शन में होती है और वो सब बराबर होती है है ना तो ऐसा ये समचतुरथ संस्थान होता है मूर्तियों का संस्थान इसी रूप में बनाया जाता है सम संस्थान में ही जिने भगवान की मूर्तियां अभी भी बनती हैं ताकि वो इसी रूप में लोगों के लिए लाभदायक होती हैं और लाभ उनको मिल सके इसलिए ऐसी बनाई जाती है उत्कृष्ट उनका सेनन होता है माने जो सबसे पहला सेनन आपको बताया था वज्र वृषभ नाराज सेनन यानी जैसे नट और बोल्ट होते हैं ऐसे हड्डियां आपस में वाइसल भी वज्र का और उसमें जो नट लग रहे हैं हड्डियों के आपस में हड्डियां जुड़ रही हैं जिस नट से वो भी वज्र का ऐसे वज्र की नाराज और वज्र का ही वलय होता है उसके कारण से वो वज्र वृषभ नाराज सेनन कहलाता है ऐसा जीव अगर कहीं गिर भी जाता है ऊपर छह मंजिल ऊपर से तो उसके लिए कुछ नहीं होता है समझ आ रहा है हाँ पत्थर टूट जाएगा वो नहीं टूटेगा क्योंकि वज्र माने बहुत कठोर पत्थर से भी कठोर होता है वो तत्व जिसको वज्र बोलते हैं समझ आ रहा है हाँ वज्र का हो गया है हिल नहीं रहा है <laughs> बोलते हैं वज्र है? वज्र का मतलब वज्र वज्र माने हीरा बोलते हैं बोलते हैं उसके समान ऐसा कठोर होता है सबसे ज्यादा कठोर होता है हीरा हाँ उसको जो फिनिशिंग देने वाली जो मशीन होती हैं वो तो अलग ही होती हैं जिससे उसको फिनिशिंग दी जाती है कोई भी ये हीरे के नग बनते हैं ना वो ऑर्डनरी मशीनें नहीं होती हैं तुम्हारी टुक टुक से कुछ नहीं होगा सोना चांदी तो हो जाएगा टुक टुक से समझ आ रहा है लेकिन वो हीरे को उसमें जो पहलू दिए जाते हैं उसको जो सेप और उसके अंदर जो फिनसिंग दी जाती है उसकी मशीनें अलग आती हैं वो उसकी कठोरता अलग होती है सबसे ज्यादा कठोर हीरा माना जाता है तो ऐसे वज्र सब नाराज सेनन होता है वज्र की सब हड्डियाँ होती हैं हड्डियों से ही सेनन गिना जाता है समझ आ रहा है इससे नहीं कि आपका शरीर कितना मोटा है कितना वेट है कितना मांस है इससे नहीं हड्डियों की शक्ति से सेनन गिना जाता है यह हमेशा ध्यान रखो उत्कृष्ट सेनन उत्कृष्ट संस्थान हो गया सुंदर रूप हो गया और शुभ लक्षणों से सहित शरीर का होना माने एक हजार आठ शुभ लक्षण होते हैं है? उन एक हजार आठ में लगभग एक सौ आठ तो शुभ चिन्ह होते हैं और नौ सौ जो है जैसे तिल व्यंजन भौरे वगैरह ये जो होते हैं ऐसे भी चीजें होती हैं और एक सौ आठ शुभ चिन्ह होते हैं शुभ चिन्हों में जैसे सूर्य का चिन्ह मीन का चिन्ह वज्र का चिन्ह जितने भी अच्छे अच्छे हाथी का चिन्ह घोड़े के चिन्ह ये शुभ चिन्ह कहलाते हैं समझ आ रहा है वो सब उनके शरीर में होते हैं और 900 अलग तरीके के तिलादी लक्षण होते हैं ये सुगंधित शरीर का होना शरीर से हमेशा सुगंधी फूटेगी हा? ये भी एक लक्षण होता है और अपार शक्ति होना माने अगर एक जैसे सहनन वाले एक जैसे लोग मिल भी गए तो भी उनकी शक्ति सामने वाले के से ज्यादा होगी क्योंकि बजर सब सैन्य सेनर वाले एक साथ बहुत सारे लोग हो सकते हैं लेकिन उनमें भी उनकी शक्ति अधिक होगी इसलिए उनकी शक्ति का कोई पार नहीं होता इसलिए उनको अतुल वीर अपार शक्ति वाला कहा जाता है आ? इसके अलावा सबसे प्रेम पूर्वक हितमित प्रिय वचन बोलना समझ आ रहा है बचपन से ही बड़े होते हुए भी खेलते हुए भी किसी को गाली नहीं देना क्या समझ आ रहा है बच्चों को सिखाना पड़ता है गाली देना लेकिन सीख तो जाते हैं अपने आप हाँ। क्यों सीख जाते हैं उनके संस्कार हैं इस तरीके के पुराने जन्म के भी हैं और यहाँ पे भी उनने कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं सीख ही लिया होगा समझ आ रहा है तो अगर यही बात बच्चों को बताई जाए बचपन में कि बेटा तीर्थंकर बचपन बच्च, से ही बालक अवस्था से ही सबसे अच्छा बोलते हैं हित बोलते हैं प्रीतिदायक बोलते हैं प्रेम पूर्वक बोलते हैं कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा है तो ये लक्षण बताने से बच्चों का कुछ अच्छा हो सकता है अच्छे संस्कार पड़ेंगे बच्चों में है? तो ये हितमित प्रिय वचन बोलना उनका बचपन से ही होता है माने कभी उन्होंने अपने जीवन में किसी के साथ अशुभ वचन बोले नहीं कड़क वचन बोले नहीं अप्रिय वचन बोले नहीं अहितकर वचन बोले नहीं निंदा के वचन बोले नहीं क्या समझ आ रहा है गाली आली देना तो बहुत दूर की बात हो गई गुस्सा भी काय को आएगा महापुरुष हैं, शांत हैं, सब कुछ है हु? और जब आता है तो फिर वो ऐसा आता है फिर वो लिख जाता है इतिहास बन जाता है <laughs> समझ आ रहा है ना, ना? ना? तो छोटा मोटा नहीं होता वो भी कभी बताएंगे और, और क्या है हाँ, किसी से समानता रही नहीं हाँ सफेद रंग होना अब बताओ ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज कितनी है हाँ? अब आप यही देखोगे अपने जैसा सबको तोलोगे तो तो ये कोई ज्ञान नहीं होगा हाँ? सबके शरीर में ब्लड का कलर लाल ही होता है अब उनके शरीर में सफेद होता है समझ आ रहा है अब लोग उसका अब साइंस कुछ भी बनाया जा सकता है लोग कहते हैं कि जैसे हाँ, जब कोई व्यक्ति करुणा से ओतप्रोत होता है तो उसके अंदर ये सफेद रक्त की संख्या बढ़ जाती है जैसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं समझ आ रहा है आज अगर किसी को बढ़ जाए तो वो रोग ही कहलाएगा समझ आ रहा है लेकिन ये निरोगता का इतना बड़ा लक्षण है कि सारे के सारे ब्लड सेल्स रेड तो है ही नहीं है सब व्हाइट ही है और फिर भी कोई रोग नहीं है समझ आ रहा है तो ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है इसको प्रूव करने के लिए भी आपके पास में एक बैलेंस्ड माइंड होना चाहिए आपको अच्छी नॉलेज भी होना चाहिए और हर चीज की तुलना करना भी आना चाहिए समझ आ रहा है जैसे मां के अंदर पुत्र की प्राप्ति के समय पर समझ आ रहा है दुग्ध की प्राप्ति हो जाती है उसी तरीके से जिन्हें सबके प्रति करुणा भाव आता है माता को तो केवल एक अपने बच्चे पे इसने आ रहा है और उससे जो है दुग्ध की प्राप्ति हो रही है तो समझो जिसे जगत के सब प्राणियों पर करुणा भाव आ रहा हो तो ये कितना बड़ा भाव होगा इस भाव का भी इस मनोभाव का भी शरीर पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा यह भी एक मनोविज्ञान है कि इतना बड़ा जिसके अंदर मन में भाव हो सब जीवों के उद्धार करने का सबका कल्याण करने का सबके ऊपर करुणा करने का तो उस मनोभाव का भी इतना भाव बन जाता है कि वो शरीर के ऊपर इस रूप में प्रभाव डालता है तो साइंस के माध्यम से भी ये चीजें हम प्रूव कर सकते हैं अगर समझदारी से कोई बात करे तो लेकिन किसी को कुतरकी करना है तो उसका तो कोई तरीका होता ही नहीं है समझ आ रहा है ये हो गए सभी ये दस अतिशय है ना इन दस अतिशयों को समझ करके हम भगवान के जन्म की स्तुति और भगवान के जन्म के समय पर होने वाली विशेष बातों को आराम से समझ सकते हैं ठीक है ना आगे केवल ज्ञान के दस अतिशय आने वाले हैं उन्हें डिटेल से ही समझेंगे तो थोड़ा सा ठीक पड़ेगा आज के लिए इतना तो ही ठीक है